अपने लिए फखर समझते हो, सदर साहब ले ले जी, मैं बड़ा फखर की बात है जी, सदर साहब ने मेरा जिक्र किया है, सदर साहब मुझसे मोहब्बत और प्यार करते हैं, तो मेरे अदीदो अल्लाह जिससे प्यार कर रहा है, साहबी को तो चाहिए था ना, बट ठीक है जी, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, अब मुझे नबी की जरूरत नहीं है। वो कह देते हैं ना जी, अब जरूर ठीक है, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, अब दरूद सलाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह जो प्यार कर रहा है मुझे, अब आपकी जरूरत नहीं है। आज के दौर के अंदर ऐसा हो रहा है कि जी अब नबी आ गए तो ईद इस्लाम समझा दिया, अब नबी की जरूरत नहीं है, मिलाद की जरूरत नहीं है, लेकिन 14 सदियां पहले सहाबी क्या पैगाम दे रहा है, या रसूल अल्लाह मुझसे प्यार करता है, फरमाया प्यार करता है, इसीलिए तो उसने तेरा नाम लिया है, तो सहाबी रसूल उबैय इब्ने काब हाथ जोड़कर रोकर सोने की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप ना होते तो खुदा कब मुझे प्यार करता। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अभी तक बनी हुई है। तो खुदा का मुझसे प्यार करता, ये रब की करीमी इसी वजह से है कि हमारे हाथों में आपका दामन है, हमारी निस्बत आपसे है। अल्लाह भी इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअन्त फीहिम, ऐ प्यारे मैं इन पर अजाब नहीं कर लिया, कर रहा इसलिए कि आप इनमें हैं, आपकी जात इनमें है, इसलिए मैं अजाब नहीं करता कि आपकी सूरत को देखकर। जरा तवज्जो तो करो ना, तवज्जो तो करो, जरा किताबों का कुतुब का जो है मुताला तो कीजिए ना, पिछली उम्मतों के साथ कितनी सख्तियां, कुरान शरीफ का मुताला करो, लोग बंदर बन गए, शक्लें बिगड़ गई, गुनाह सियाकारी बदकारी के सबब से रात जो काम करते थे दहलीज पर लिखा जाता था, गेट पर लिखा जाता था उसके दहलीज पर कि इसने रात ये गुनाह किया, बदकारी की तो भी लिखी जाती थी, सोते थे तो इंसान थे, उठते थे तो जानवर बन जाते थे, ए नमाज पढ़नी है माँ सिवाय मस्जिद के कहीं नहीं पढ़ सकते, जिस्म नापाक हो गया तो हुक्म था कि वो गोश्त काट दो, कपड़ा नापाक हो गया कपड़े को काट दो, 40% जो है ज़कात थी, माँ सिवाय नमाज मस्जिद के कहीं इबादत नहीं कर, इतनी सख्तियां, और मेरे अजीजो वही काम आज का मुसलमान भी करे, शराब भी कर पी रहा है, गुनाह बदकारियां भी कर रहा है, नाजायज तरीके से लोगों का माल भी हड़प कर रहा है, वजह क्या है, सोते हैं सुबह फिर इंसान उसी तरह, हमारी शक्लें क्यों नहीं बदलती हैं, खुदा हमारी सूरत देखकर नहीं, मुस्तफा की सूरत देखकर, इस एहसान को तो मानो ना, कमाल हमारा नहीं, कमाल सारा रसूलुल्लाह का, वो पिछली उम्मत शक्लें बिगड़ जाए और मुस्तफा की उम्मत की शक्लें ना बिगड़े, क्यों, मेरे अली शाह बोले इस सूरत नू मैं जान आखा, खुदा हमारी सूरत नहीं, सूरत मुस्तफा देख कर हम पर, वरना हमारा हाल भी वही होता, आज में हम आपको कोई हमारे साथ कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, हमको खुदा के कोई महबूब नहीं है, सिर्फ इस कुर्बत की और महबूबियत की वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे हाथों में दामन है मुस्तफा, इस बात को माने, इस इतना तो कदर लेना इस चीज को, अंबियाए किराम जो है दुआएं करते रहे, या अल्लाह हमें रसूल का उम्मती बना, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह कितने अंबियाए किराम है दर्जनों के हिसाब से जिन्होंने कहा कि हमें हुजूर का उम्मती बनाए, लेकिन 2-3 नबी ऐसे हैं जिनकी दुआ की दुआ कबूल हुई है और उन्हें हुजूर का उम्मती होने का शर्फ हासिल हो रहा होगा, वो कौन, जनाब खिदर अली सलाम है, जनाब ईसा अली सलाम और जनाब इदरीस अली सलाम, कुर्ब कयामत में आएंगे नबी की हैसियत से नहीं उम्मती की हैसियत से, जिस नबी के उम्मती होने के लिए नबी दुआएं करते रहे, आज हम उसी नबी के उम्मती, नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए, बस दो बातें और सुन लें,
हशर का दिन होगा, सारे सारे नबियों की उम्मतें, हर उम्मत के दो दो गिरोह, उम्मत मुस्तफा के भी दो गिरोह। कुरान मजीद में तीन गिरोहों का जिक्र है, ठीक है, अस्साबिकून, अश्शिमाल और अस्हाबुल यमीन। दाएं हाथ वाले जन्नती, बाएं हाथ वाले सारे दोस्ती। अस्साबिकून जन्नत में सबसे पहले जाने वाले, जो नेकी में भी पहल करने वाले वाले वाले। सारी उम्मतों के दो गिरोह, एक गुनाहगारों का, एक नेकोकारों का। तमाम उम्मत, तमाम अंबिया किराम उस गिरोह में खड़े होंगे जो नेकोकारों का गिरोह होगा। आदम से लेकर प्यारे ईसा तक हर नबी नेकोकारों के साथ खड़े होंगे और कहेंगे, या अल्लाह ये नेकोकार हमारे हैं, गुनाहगार तेरे हैं। अजाब देना तेरे बंदे नहीं, बख्शना है तामी तेरे। ये नेकोकार हमारे, गुनाहगार तेरे। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी ये कहेंगे, या अल्लाह नेकोकार हमारे, गुनाहगार तुम्हारे, लेकिन मुस्तफा करीम की क्या शान होगी, मुस्तफा करीम की उम्मत के भी दो गिरोह होंगे, वो कहेंगे मौला ये नेकोकार तेरे हैं, गुनाहगार सारे मेरे। हुजूर गुनाहगारों की शख्स जो है गिरोह में आकर कहेंगे, या अल्लाह ऐ मेरे नहीं, ऐ नेकोकार तेरे। तो हुजूर उस दिन होगा क्या, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार कोशिश करेंगे कि चुपके से उधर आ जाए जिधर रसूलुल्लाह खड़े। हजरत दीवागार शफात के लिए कबाहिरी में उम्मत कि जहां आज इस दुनिया में बुरे बंदे को अपना कोई नहीं कहेगा, हशर के दिन भी कोई किसी को अपना नहीं कहेगा, हुजूर उस दिन भी अपने गुनाहगार उम्मती को रब की बारगाह में कहेंगे मौला ये नहीं जाएगा। उस नबी से बिगाड़ के नहीं रखी, उस नबी से बिगाड़ के नहीं।